महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी प्रिय भाइयों और बहनों को मेरा प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा सलाम। प्रियो, इन दिनों में जब हम सुसमाचार क्या है इस सवाल पर मनन कर रहे हैं, हमने देखा है कि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। इसे सैद्धांतिक रीति से समझने के बाद हमने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में इसे एक अंधे के जीवन में जो चंगाई हुई उसके द्वारा हमने समझा। आज मैं आपके सामने उस चंगाई के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो उस अंधे से कहा उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि मरकुस रचित सुसमाचार के 8:26 में प्रभु कहते हैं, अपने घर को जा लेकिन इस गांव में पैर भी ना रखना। अर्थात अब उद्धार पाए हुए एक विश्वासी के विषय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसे एक यात्रा पर जाने को कह रहे हैं। विश्वासी जीवन एक यात्रा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस यात्रा के विषय में हम मरकुस रचित सुसमाचार 4:35 से लेकर 41 तक पढ़ें। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर
वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पढ़े हुए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत से आशीष हो, ताकि हम जिस विषय को सीख रहे हैं, अर्थात विश्वासी जीवन एक यात्रा, बिलीवर्स लाइफ अ जर्नी, इसके विषय में हम इस भाग से परमेश्वर की आशीषों के साथ सीख सकें। प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं जो मरकुस रचित सुसमाचार के चौथे अध्याय में है, मैं आपके सामने इस भाग में जाने से पहले एक छोटी सी तुलना रखना चाहता हूँ। आइए इस तुलना का हम अध्ययन करें। मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय और चौथे अध्याय के 35वें वचन से 5वें अध्याय में भी किस तरह की तुलना हमारे सामने है, जरा ध्यान से देखें। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 13वें वचन को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद यहाँ पर जंगल में प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन तक शैतान के द्वारा परीक्षा में जाते हुए देखा और शैतान ने प्रभु की परीक्षा की। फिर हम क्या पढ़ते हैं, वह वन पशुओं के साथ रहा। यह विषय और किसी समाचार में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह वन पशुओं के साथ रहा। जब हम इसकी तुलना चौथे अध्याय के 35वें वचन से आगे करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 27वें वचन में, तब बड़ी आंधी आई। प्रियो, पहले अध्याय में वन पशु, वाइल्ड एनिमल्स, और चौथे अध्याय में हम बड़ी आंधी, वाइल्ड स्टॉर्म, ए ग्रेट स्टॉर्म पढ़ते हैं। जब हम पहले अध्याय के इस भाग को देखते हैं, मनुष्य वन पशुओं पर अपना हुक्म नहीं चला सकता। चौथे अध्याय के इस भाग में इस बड़ी आंधी पर परमेश्वर अपना नियंत्रण लगा सकता है। प्रियो, इसी तरह जब हम पहले अध्याय के 23वें वचन को पढ़ते हैं, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। कपरनहूम में जो प्रभु यीशु मसीह गए, ध्यान से देखें, आराधनालय में एक मनुष्य है जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। आइए मेरे साथ 5वें अध्याय के 9वें वचन को देखें। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब झील पार कर चुके, तब कब्र से प्रभु के ओर एक मनुष्य दौड़ा चला आया और उसमें अशुद्ध आत्मा थी। जब प्रभु ने उसका नाम पूछा, उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना अर्थात 5,000 से 6,000 संख्या। पहले अध्याय में जहाँ पर हम एक अशुद्ध आत्मा को देखते हैं, मनुष्य का अशुद्ध आत्मा पर कोई जोर नहीं, और फिर 5वें अध्याय के इस 9वें वचन में हम देखते हैं एक सेना है, अशुद्ध आत्माओं की सेना है। परमेश्वर अकेला ही उन पर नियंत्रण कर सकता है। जब हम पहले अध्याय के 31वें वचन में आते हैं, वहाँ पर पतरस की सास को बुखार है और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया है। मनुष्य का बीमारी पर कोई जोर नहीं है। जब हम 5वें अध्याय में आते हैं, 12 वर्ष से एक स्त्री का लहू बहता जा रहा है और प्रभु के वस्त्र को छूने से उसका लहू बहना रुक गया। 12 साल से लहू बहना, परमेश्वर का उस पर नियंत्रण है। और आखिरी तुलना
प्रियो, एक कोढ़ी है पहले अध्याय के 40वें वचन में प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर विनती करता है, मुझे चंगा कर। प्रभु ने उसे चंगा किया। और फिर 5वें अध्याय में हम देखते हैं याइर की पुत्री है जो मर गई है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित उठाया है। कोढ़ जो पाप का दर्शक है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ को चंगा किया और 5वें अध्याय में याइर की पुत्री को मृतकों में से उठाया है। प्रियो, कितना सुंदर तुलना है। पहले अध्याय में जो मनुष्य नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। 4थे और 5वें अध्याय में जो परमेश्वर कर सकता है, वह प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। प्रियो, जो मनुष्य से संभव नहीं, वह प्रभु कर रहे हैं, और जो परमेश्वर से संभव है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। कितनी सुंदर तुलना है ना। आइए हम वचन के अध्ययन में आगे बढ़े। आज मैं आपका ध्यान 35वें वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। मार्क चैप्टर 4:35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक न्योता देते हैं और कह रहे हैं, आओ हम पार चलें। सबसे पहला शब्द क्या है? आओ। प्रभु की यह पुकार तो है सभी के लिए, लेकिन इस यात्रा में सिर्फ वे ही जा सकते हैं जिनका उद्धार हुआ है। प्रियो, यहां वचन पढ़े, उसने चेलों से कहा। इस यात्रा में जिनका उद्धार नहीं हुआ वो नहीं आ सकते। मेरे प्रियो, कितना दुख की बात है कि परमेश्वर की पुकार है, कह रहा है कि आओ हम पार चले। वो पुकार रहा है आओ, और हम उसके पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि उद्धार नहीं हुआ। प्रियो, ये आपके लिए आह्वान है। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, प्रभु के चरणों के पास आए, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें, उद्धार पाकर विश्वासी जीवन के इस यात्रा में आगे बढ़े। आओ, इट इज़ अ इन्विटेशन फ्रॉम आर लॉर्ड। इस यात्रा में कौन है? चेले हैं। आगे देखिए, यहाँ पर और भी नावें हैं, और भी नावें हैं। एक भीड़ है जो तट पर रुकी हुई है, और जिस चेले में प्रभु यीशु मसीह है, जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह है, जिस नाव में चेले हैं, उस नाव के पीछे और भी नावें हैं। ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हुए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं। इनमें कुछ वो भी स्त्रियां हैं जो अशुद्धात्माओं से चंगाई पाई हैं, कुछ बीमारियों से चंगाई पाए हैं, और कुछ अपने धन और संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। यह सारी भीड़ उन उद्धार पाए हुए लोगों को दर्शाता है जो इस यात्रा में प्रभु के साथ निकल पड़े हैं। प्रभु का न्योता है, आओ। प्रियो, क्या आपने इस आह्वान को सुना है? क्या आपने इस न्योते को स्वीकार किया है? प्रभु कहते हैं आओ। आगे प्रभु कहते हैं हम। प्रभु ने ये नहीं कहा आओ तुम पार चलो। प्रभु कहते हैं आओ हम पार चलें। प्रियो, यहाँ पर प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ रहा, इस यात्रा में हमें प्रभु अकेला नहीं छोड़ रहा, लेकिन वह हमारे साथ इस यात्रा में है। हमारे विश्वासी जीवन की इस यात्रा में प्रभु हमारे साथ है। ये बड़ा ही सांत्वना देने वाला, आश्वासन देने वाला, हमें धैर्य देने वाला विषय है। उद्धार के बाद हम जब इस पापी संसार में हैं, जब हम इस संसार के द्वारा दिए गए सताव में पड़ते हैं, प्रलोभन में पड़ते हैं, परीक्षाओं में पड़ते हैं, प्रियो ये जान लीजिए प्रभु हमारे साथ है। वही हमारे लिए निकास करेगा कि हम सुरक्षित उसमें से बाहर निकल आए। प्रभु कहते हैं आओ हम, ही इज विथ अस। जब हम पहला करिन्ती 3:16 वचन पढ़ते हैं तो वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के आत्मा का
मंदिर हो। इसी रीति से जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 20वां वचन ध्यान से देखिए, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद पुनरुत्थान, पुनरुत्थान के बाद पिता के दाहिने विराजमान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहा और उनके साथ साथ वह कार्य करता रहा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए बच्चों के साथ कार्य करता है। अपने लहू में मोल लिए गए उसके बच्चों के साथ वह कार्य करता है। आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ कार्य कर रहा है। ही इज इन पार्टनरशिप विथ अस। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 26 वचन, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। प्रभु कहते हैं, जिनको मैंने चुना है, जिन्होंने मुझे ग्रहण किया है, हे पिता जो तेरे संतान है, तेरा प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, आई एम विथ यू इन दिस जर्नी। प्रियो, कितना धन्य यह विषय है ना, जब हम उद्धार पाते हैं हमारे लिए स्वर्ग के मार्ग खुले हैं, लेकिन जब हम उद्धार के बाद आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं तो हम देखते हैं कि स्वर्ग हमारे पास आया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ इस विश्वासी जीवन की यात्रा में है। प्रभु यीशु मसीह हमें आगे ले चलता है, वह हमारी अगुवाई करता है, वह हमारा मार्गदर्शन करता है, वह हमारे साथ है। तीसरा विषय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आओ हम पार चलें। कहाँ चले? पार, उस पार। अभी हम इस पार हैं, आओ हम उस पार चले। प्रियो, हम इस देह में हैं। पौलुस रोते हुए कहता है, रोमियो को लिखी गई पत्री 7वां अध्याय 24वां वचन, कौन है जो मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? प्रियो, पौलुस क्यों रो रहा है? वह कहता है, मेरी आत्मा चाहता है कि मैं कुछ और करूं, लेकिन मेरा शरीर कुछ और करता है। मेरे आत्मा और शरीर के बीच में एक द्वंद युद्ध है। शरीर अपनी इच्छा करता है, आत्मा की इच्छा को पूरी नहीं होने देता। मेरे शरीर मेरे आत्मा का विरोधी है। मेरा आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा के सहभागिता में है, मेरा आत्मा जो पवित्र आत्मा से अगुवाई पाता है, वह कुछ करना चाहता है, भला करना चाहता है, भले कामों में वह सरगर्म है, धार्मिकता के मार्गों पर चलना चाहता है, अधर्म को छोड़ना चाहता है, लेकिन मेरा शरीर मुझे पकड़ के रखा है। यह शरीर मृत्यु का देह है। यह शरीर मेरे मन की अभिलाषाओं को तोड़ता है, मेरी आत्मा की अभिलाषाओं को तोड़ता है, मेरी आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा होने नहीं देता। पौलुस रोता है प्रियो और कहता है, कौन है जो मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? और फिर तुरंत कहता है, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे स्वतंत्रता मिली है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस सांसारिकता से निकाल कर स्वर्गीय विषयों की ओर, स्वर्गीय बातों की ओर, स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा का शुरुआत कराया है। आओ हम पार चलें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें न्योता दिया है कि हम इस यात्रा में चलें। हम इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ है। पार, हम इस पार इस देह में हैं। प्रभु कह रहे हैं कि चलो हम उस पार चले।
स्वर्ग, स्वर्गीय बातें और स्वर्गीय विषयों की ओर हम अपनी यात्रा को लेकर आगे बढ़ें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने जो वचन सुना है, परमेश्वर मदद करे कि हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को सुधार सकें। प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज जो आपने हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने जो आह्वान हमें दिया है कि हम विश्वासी जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ें, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिन भाई और बहनों का उद्धार नहीं हुआ, वे इस यात्रा में नहीं आ सकते, इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, उनको उद्धार दे ताकि वे भी हमारे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ सके। आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषयों को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क कीजिए। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। हमारा मोबाइल नंबर है 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा यूट्यूब एड्रेस है jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।